Hello friends, welcome to Anishka's Ideas. So today I will tell you how to make scenery with the wax crayons. So before watching my video, please subscribe my channel and like and comment also. Let's start. So friends, मैंने यहाँ पर scenery बनाने के लिए ये एक mountain बनाऊँगी. आप भी ऐसे ही mountain बना सकते हैं. मैंने यहाँ पर ये तीन चार माउंटेन्स बना लिए हैं. कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हैं. मैंने यहाँ पर फोर माउंटेन्स बना लिए. ये थोड़ा कॉर्नर में था और ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो मैंने ये हाफ ही बना लिया. अब हमें यहाँ पर एक सन बनाना है. ओके, ये सन बनाने के बाद यहाँ पर एक रिवर निकाल देनी है. जैसे यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ. सो फ्रेंड्स, अब हमने ये रिवर निकाल दी थी तो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रास बना देनी है और हमें यहाँ पर पूरा ये फिल करना है. सो फ्रेंड्स, अब हमने ये ग्रास मतलब ड्रॉ कर लिया है तो अब हम यहाँ पर इस माउंटेन को और इस पार्ट को रफ कर देना है. जैसे कि ये मैं यहाँ पर रफ कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको ये रफ कर देना है. तो फ्रेंड्स, आपको माउंटेन्स का, ग्रास का और ये रिवर का एक एक पार्ट रफ कर देना है. जैसे मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है और अब मैं यहाँ पर एक ट्री बनाने वाली हूँ. ऐसा ट्री बना दिया मैंने. ये इसका ये वाला पार्ट भी बना दिया. आप कैसा भी पार्ट्स बना सकते हैं इसके. मैंने यहाँ पर ऐसा पार्ट बनाया और आप यहाँ पर इसकी लीव्स, ब्रांचेस कैसी भी आपको जैसी भी पसंद हो आप वैसी बना सकते हैं. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये एक ट्री के पार्ट्स और ब्रांचेस बना दी हैं और अब हम यहाँ पर ये सन बनाया था ना हमने, अब इसका फेस बनाने वाले हैं, लाइक आईज बनाने वाले हैं. अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप बना भी सकते हैं, नहीं अच्छा लगता हो तो आप नहीं बनाएंगे, ये तो भी बहुत सुंदर लगेगा. मैंने यहाँ पर इसका फेस बना दिया है, इसकी आईज भी बना दी है और अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइंस को फिल करना है. ये अब बहुत ही अच्छा लग रहा है और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट में बताना कि ये कैसा लगा. तो अब हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए ये एक स्केच पेन ले लिया. आप चाहें तो मार्कर से भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ और बाद में अंडरलाइन करने के बाद मैं इसकी लाइंस रफ कर दूँगी, जो कि हमारी ये पेंसिल से जो हमने ड्रॉ करा था वो ना दिखे. फ्रेंड्स, आपको पहले यहाँ पर अंडरलाइन करनी है और पूरे जो भी हमने बनाया उसको आपको अंडरलाइन कर देनी है. सो फ्रेंड्स, ये अंडरलाइन तो हो चुकी है और मैंने इरेजर से ये इसकी जहाँ हमने स्केच पेन से अंडरलाइन करी है वहाँ कुछ पेंसिल की अंडरलाइंस भी थी तो मैंने वो रफ कर दी. तो ये कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है, इसलिए अभी हमें इसको कलर से इसको ब्लेंड करना है. तो मैं यहाँ पर पहले ब्राउन कलर लूँगी और माउंटेन्स में कलर करूँगी. हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ हमें वैसे ही कलर करना है. हमें इन चारों माउंटेन्स पे हमें कुछ इस तरीके से ही कलर करना है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर से यहाँ पर शेड कर दिया और मैंने इसके ट्री के नीचे वाले पार्ट को भी शेड कर दिया है क्योंकि ये भी ब्राउन ही कलर का था. तो अब हमें ग्रीन कलर चाहिए होगा. मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन लिया है और जो मैंने अंडरलाइन करी थी वो मैंने डार्क ग्रीन से करी थी. तो अब हमें इसमें और ग्रासेस में जहाँ जहाँ भी हमें ये ग्रीन कलर करना है तो हम करते हैं. मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर से भी
इसको शेड कर दिया है। और अब हमें दूसरा कलर करने से पहले एक ब्लैक कलर, ब्लैक स्केच पेन लेनी है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्ड्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्ड्स बना दिए। आप चाहे कैसे भी कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ वर्ड्स बना दी और हमें ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से यहाँ हमें छोटी छोटी ग्रासेस बनानी है कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ स्केच पेन से बना दिए हैं और हम अब हमें यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से कलर कर देना है। मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर से यहाँ पर शेड कर दिया है। अब हमें स्काई ब्लू कलर लेना है और यहाँ वाटर में हमें कुछ इस तरीके से शेड कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर करा था वो हमने ग्रीन कलर से करा था, ये हमने यहाँ पर ब्राउन कलर से करा है और हम यहाँ पर ब्लू कलर से करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें कलर करने से पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाटर बना देना है। ये बहता हुआ वाटर बन जाएगा। मैंने बहुत सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी हैं यहाँ पर, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि वाटर बह रहा है। मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर से भी कर दिया है और अब हमें ये सन को शेड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर लिया है और मैंने यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ करी थी ना, पहले हमें उस इस तरीके से यहाँ इसको शेड करना है और बाद में हमें एक येलो कलर लेना है और इसके ऊपर ही कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेड कर दिया और इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से शेड कर दिया। आपको लाइट शेड ही करना है, ज़्यादा डार्क शेड नहीं करना, और सन के अंदर आप कर सकते हो, डार्क शेड पर ऊपर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सीनरी बन के तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये सीनरी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।